अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं आओ दीन सीखे ऑफिशियल चैनल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमजानुल मुबारक की कुछ निशानियां बताई हैं और वो निशानियां आज के जमाने में पूरी होती दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, क्या जो ये रमजानुल मुबारक है ये क़यामत से पहले वाला रमजान है? तो इन तमाम चीजों को कुरान और हदीस की रोशनी में हम आज की वीडियो में शेयर करने वाले हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया है कि जो कुछ जमीन पर है इसको फना होना है और बाकी रहने वाली जात तेरे रब की है जो साहिब जलाल है, जो एहसान करने वाला है। नाजरीन, जिस तरह से अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया है उसी तरह से ये कायनात फना होगी, हर चीज अपने अंजाम को पहुँचेगी, हर इंसान को अपने अपने आमाल का बदला क्यामत को देना होगा। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजानुल मुबारक कैसा होगा, इस रमजान के अंदर कौन कौन से वाकये होंगे और क्यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमजान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे और आखिरी रमजानुल मुबारक की क्या निशानियां होंगी और जो आज के जमाने में जल जले जाहिर हो रहे हैं क्या ये क्यामत की निशानियां हैं। नाज़रीन, ऐसे तमाम सवालात के जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको देंगे। लेकिन नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नाज़रीन, क्यामत कब आएगी ये बात अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन क्यामत से पहले कुछ ऐसी निशानियां बताई गई हैं जो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक क्यामत नहीं आएगी। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक जमाने आपस में करीब ना हो जाएं, साल महीनों के बराबर ना हो जाए, महीने हफ्तों के बराबर और हफ्ते दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर ना हो जाएं। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान के लिए इरशाद फरमाया कि ये रमजान इंसानों पर आने वाला आखिरी रमजान होगा जिसके बाद ये बाबरकत महीना नहीं आएगा, जिसके बाद इस जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूक एक अरसे के अंदर खत्म हो जाएगी। हजरत नईम बिन हम्माद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा रमजान आएगा कि उस रमजान में इस कायनात को एक ऐसी जोरदार आवाज सुनाई देगी, ये आवाज इस तरह खौफनाक होगी और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों समेत दीगर मखलूक भी सहम जाएगी और लोग इस आवाज की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज कैसी थी और कहां से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज की खोज नहीं कर पाएगा। जिस रमजानुल मुबारक में ऐसी आवाज सुनाई देगी कि जिसकी खोज ना लगाई जा सके, तो उसके बाद एक साल का रिजक अपने घरों में जमा कर लेना क्योंकि उसके बाद दुनिया से रिजक उठा लिया जाएगा। नाज़रीन, ये महीना रमजानुल मुबारक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले आएगा और उस रमजानुल मुबारक के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। उस रमजान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर कोई चीज रोशन होगी और उसी रमजानुल मुबारक में मुल्क शाम में सूफियानी के जानिब से मुसलमानों को कत्लेआम किया जाएगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी रमजान में एक जोरदार आवाज आएगी और जुमे की रात होगी और फिर आसमान से जोरदार आवाज आएगी जिसकी वजह से 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे। ये बात सुनकर साहबा इकराम ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
क्या इस आवाज से आपकी उम्मत में से कोई महफूज रहेगा? तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उस वक्त अपने घरों में रहेगा और सजदों में गिर जाएगा और अल्लाह ताला से पनाह मांगेगा और जोर जोर से तकबीर कहेगा तो अल्लाह ताला उसे महफूज रखेंगे। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आवाज के बाद एक और आवाज जाहिर होगी। पहली आवाज हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम की होगी और दूसरी आवाज शैतान की होगी। नाज़रीन, निशानियों में बताया गया है, रमजानुल मुबारक में 15 तारीख को रात को चंद्र ग्रहण लगेगा और दिन में सूरज ग्रहण लगेगा। जिस रमजान में ये तमाम निशानियां पाई जाएंगी, उस रमजान की एक साल के बाद क़यामत आ जाएगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।